हाँ जी गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए यार, आज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है या कॉम्पैक्ट सेडान लेनी है। देखिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी का तो जो एसयूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन हो चुका है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्चुअली क्या है, ठीक है। बट उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँगा कि टाइप्स ऑफ एसयूवी कितनी होती हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ले रहे हैं कॉम्पैक्ट सेडान, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी इससे बेटर होगी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बाजू वाले ने बोला है, दोस्त ने बोला है, भाई साहब पैसे आपके लग रहे हैं, चलाने वाले आप हो, फैमिली आपकी बैठने वाली है, बाजू वाला पड़ोसी या दोस्त वो लोग नहीं आने वाले, तो सोच समझ के डिसाइड कीजिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए या फिर आपको चाहिए एक कॉम्पैक्ट सेडान। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको कि कॉम्पैक्ट एसयूवी और कॉम्पैक्ट सेडान में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। सबसे पहले और सबसे जो बड़ा डिफरेंस वो आपको जो बताया जाता है लोगों से कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बड़ा मिलेगा, ये ले लो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है। अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो भाई साहब गाड़ी होगी ऊपर, और अगर कॉम्पैक्ट सेडान है तो लो फ्लोर होगी जो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। अगर आपके घर में सिर्फ एक या दो लोग हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी का मज़ा लेना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, बस वही एक रीज़न है जिस वजह से गाड़ियाँ बनी थी एसयूवी, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था, शहरों में वो गाड़ियाँ चलने वाली नहीं थी। बट अब आ चुकी है, मॉडर्न हो चुके आ चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रही हैं, जिस वजह से लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। फीचर्स आपको चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी में, कॉम्पैक्ट सेडान में सबसे ज़्यादा फीचर्स सेम वैल्यू में आपको कॉम्पैक्ट सेडान में मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इंजन आपका सेम रहेगा मगर माइलेज आपको कॉम्पैक्ट सेडान में ज़्यादा मिलेगा। क्यों? उसका रीज़न है, सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेडान में आपका होता है व्हील बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और लो फ्लोर होती है, ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, जिस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उस गाड़ी की। और दूसरी बात आती है, एसयूवी जो है गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, हैवी होती है वेट में, जिस वजह से आपका माइलेज ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है उसमें। तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई साहब कम्फर्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि व्हील बेस ज़्यादा होता है तो उस वजह से कंफर्ट और एक्स्ट्रा लेग रूम आपको सेडान में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई जी कंफर्ट की बात। चौथी बात आ जाती है आपके बूट स्पेस की। कॉम्पैक्ट सेडान में आपको बूट स्पेस जो मिलेगा कम से कम 350 से लेके 400 तक मिल जाएगा आपको, ये जस्ट राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको इतना बूट स्पेस नहीं मिलेगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी आपकी प्रेफरेंस है, बूट स्पेस अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपकी ड्राइवेबिलिटी है वहाँ पे तो ही लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपके बॉडी रोल। भाई अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे चलने वाली है तो बॉडी रोल आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में ज़्यादा मिलेगा। उसका रीज़न ये है, गाड़ी ग्राउंड से काफ़ी ऊपर है, हाईवे पे जब टर्न्स लोगे तो आपकी बॉडी रोल होने वाली है इस तरह से। आप कहीं भी बैठे हो, ड्राइवर सीट पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी स्टेबिलिटी जो रहेगी कॉर्नरिंग करते वक्त आपकी बॉडी रोल होगी इस तरफ होने वाली है। सेडान में क्यों नहीं होगी? क्योंकि ग्राउंड से के बहुत पास है, रोल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है भाई साहब। तो आप डिसाइड कर लीजिए कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है या आपको कॉम्पैक्ट सेडान लेनी है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब कॉम्पैक्ट एसयूवी तभी लीजिए अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है या फिर आपको उन जगहों पे ट्रैवल आपका बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सिटी जहाँ पे रोड्स अच्छे नहीं हैं, या फिर उन जगह पर जा रहे हैं जैसे कि खेत है या फिर कोई कच्चे पक्के रोड है, वहाँ पर आपका ट्रैवल बहुत होने वाला है तो लीजिए कॉम्पैक्ट एसयूवी। अदरवाइज़ सबसे बड़ी चीज़ जो आज के टाइम में 104 105 जा चुका है भाई पेट्रोल डीजल, तो भाई साहब
माइलेज भी आपको कॉम्पैक्ट सेडान ही देने वाली ज़्यादा। कॉम्पैक्ट एसयूवी आप जस्ट कंपेयर कर लीजिए, जहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही होगी सेम कंपनी सेम इंजन में आपको कंपनी क्लेम कर रही होगी कॉम्पैक्ट सेडान में 18 से 19 का माइलेज, सेम विद इंजन सेम कंपनी की अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो आपको माइलेज क्लेम करने वाली है 14 से 15। तो आप समझ लीजिए 4 किलोमीटर कम, 4 से 5 किलोमीटर आपकी गाड़ी उसी तेल में कम चलने वाली है। आजकल बस ये क्रेज़ बन चुका है कि भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी होनी चाहिए, ऊंची गाड़ी होनी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको क्यों चाहिए, कहाँ चलानी है? डिवाइडर के ऊपर तो नहीं चलानी है ना आपको, आपको रोड पे ही चलानी है, और रोड अब सब जगह बन चुके हैं। तो सोच समझ के लीजिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आ रही है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही बिगाड़ दी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी कुछ और है, किसी और नाम पे कॉम्पैक्ट एसयूवी को नेक्सॉन बना के बेचा जा रहा है जो कि एक्चुअल में नहीं है। फिर भी कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आपकी प्रेफरेंस है तो प्लीज़, फिर भी अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी आपकी प्रेफरेंस है तो प्लीज़ जाइए, कॉम्पैक्ट एसयूवी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है आपको, और ऊंची गाड़ी रहेगी तो ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ एक कंपैरिजन के लिए कि आपको आइडिया हो जाए कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है कॉम्पैक्ट सेडान लेनी है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में 7 से 8 लाख में कॉम्पैक्ट एसयूवी भी अवेलेबल है, कॉम्पैक्ट सेडान भी अवेलेबल है, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, इवन प्रीमियम हैचबैक्स अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। तो भाई फीचर्स कॉम्पैक्ट एसयूवी भी दे रही है, डिसाइड आपको करना है कि आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रनिंग कैसे होने वाली है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। बाकी पैसा आपका, गाड़ी आपकी, चलानी है आपको, जो ख़रीदने कीजिए। गाड़ियाँ सब अच्छी बनती हैं, कोई बुरी नहीं बनती, गाड़ियाँ इसलिए ज़्यादा बनती हैं ताकि हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो सोच समझ के अपने पैसे लगाइए, गाड़ी खरीदिए और एंजॉय कीजिए।